नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं आजाद बिहार न्यूज और आजाद बिहार न्यूज से मैं मिठू इस वक्त पहुंचा हूं सीतामढ़ी नगर निगम में। और अभी हमारे साथ रूबरू हैं बरियारपुर पंचायत से पूर्व मुखिया, जो पहले पंचायत था बरियारपुर, अब नगर निगम में आ गया है। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और कुछ मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे चुनाव से रिलेटेड। सबसे पहले आजाद बिहार न्यूज में आपका स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय रखें। मेरा नाम राम परचंद से है और ग्राम पोस्ट बरियारपुर थाना जिला सीतामढ़ी, और मैंने भूतपूर्व मुखिया पति हूँ। 2006 से 2011 तक मैंने मुखिया काल सेवा काल अन्य मुखिया में सेवा काल किया है, पब्लिक को सेवा काल किया है और यही तो परिचय है। 2022 में नगर निकाय चुनाव प्रारंभ है और आपने वार्ड पार्षद पद को चुना, और भी पद था, उस पद को आपने नहीं चुन करके आपने इसी पद को क्यों चुना? इस लेकर मैंने चुना कि वार्ड पार्षद जो है हम लोग के लायक पद है, मेयर पद है, जो मेयर पद या उप मेयर पद लंबा क्षेत्र है, हम उतना हम लोगों से पार नहीं लेगा। जितना हम लोग का एरिया है, हम लोग बना के जितना रखे हुए हैं, उस अनुसार पब्लिक के सेवा अनुसार पब्लिक जो वोट देगा हमको जिताएगा, हम बूझते हैं कि इससे हमारा जीत होगा। इस कारण मैंने इस वार्ड से वार्ड पार्षद के रूप में नॉमिनेशन दिया है। पंचायत से उठ करके डायरेक्ट आप नगर निगम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पंचायत से उठकर नगर निगम में आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं। जो पंचायत में हमने काम किया 2006 से 2011 के बीच में, जनता लोगों ने मेरा काम देखा है और मैंने इस काम को भली भांति सब अच्छे ढंग से किया है। और नगर निगम में आए हैं तो नगर निगम में ही पंचायत का जो पंचायत स्तरीय जो काम होगा और नगर स्तर के लेवल में जो काम होगा मैं उसको करूँगा, उससे भी बढ़कर काम करूँगा। जो नगर का काम नहीं हुआ है वैसे उस ढंग से मैं अपने पंचायत को ले जाना चाहूँगा, जो मेरा ग्राम नगर निगम के रूप में विकसित होगा। पहले आपका क्षेत्र पंचायतीय क्षेत्र था तो लोगों को टैक्स नहीं देना होता था, अब नगर निगम में आ गया है तो सारे चीज के लिए उनको टैक्स देना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ। उनको किस तरह आप सहयोग करेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो? हाँ, चुनाव जीत जाते हैं तो हमने सहयोग करेंगे। जनता लोगों ने मुझे अगर चुन के भेजा तो मैंने जितना भी टैक्स देने की बात है, चाहे घर हो, रोड हो, कहीं सब मैंने जिस सबका घर के नाम जरूरत है उसमें होता है क्या, किसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, जनता लोग देने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन हम लोग से जहाँ तक प्रयास होगा उसमें कम से कम टैक्स, अगर जो सरकार के रूल रेगुलेशन है उसमें से कम रुपये में मैं उसका काम करूँगा और प्रयास करूँगा कि मकान घर सबको जो है रोड सब सड़क आदि बने, कम पैसे में ही काम चले, ताकि गरीबी या पंचायत या नगर निगम जो हुआ है या बहुत गरीब पंचायत है रहा है, और इसके तहत हम लोग के इसको विकास करने के लिए उसी लेवल से हमको सोचना है कि आगे बढ़े। कम माने बहुत गरीब लोग है, इसको विकसित करना है, उसी स्तर पर मैंने काम करूंगा। इसको कहने का मतलब है बिचौलिए के हाथ नहीं लगने देंगे, आप अपने माध्यम से ही कम खर्च में उन लोगों का काम करवाएं। कितने मतदाताएं होंगे आपके लगभग आपके इस वार्ड में? हमारा मतदाता इसमें 5600 के लगभग है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, कैसे व्यक्ति को इस वार्ड पार्षद पद पे प्रतिनिधित्व करें? मैंने वार्ड पार्षद के रूप में सारे जनता से अपील करता हूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें खड़े हैं, 8 प्रत्याशी खड़े हैं, हम जनता लोगों से जहाँ जाते हैं वोट मांगते हैं, कहते हैं अच्छे प्रत्याशी को आप लोग चुने जो योग्य है, आपको पंचायत को आपको वार्ड को नगर निगम में इसको विकास कर सके होंगे तो समझेंगे, लोगों को समझावेंगे और विकास की ओर ले जाएंगे। जो कैंडिडेट है उनका नाम क्या है? रमावती देवी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें आजाद बिहार न्यूज। जय हिंद, जय भारत।